नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद चन्नी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक पर इसलिए नजर है क्योंकि देखा जाएगा कि कितने मंत्री कैबिनेट मीटिंग में शामिल होते हैं। बैठक के बाद सीएम चन्नी दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस बीच सिद्धू ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा है कि वो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। सिद्धू ने अपने वीडियो संदेश में कहा, मेरा 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के लिए रहा, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति पर स्टैंड लेकर खड़ा रहना, यही मेरा धर्म है। मेरी आवाज और मेरी आज तक किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं रही है। मैं आवाज लगातार उठाता रहा हूं। मैं ना हाई कमान को गुमराह कर सकता, ना गुमराह होने दे सकता हूं। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, इसलिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के ऊपर एक स्टैंड लेकर 12:30 बजे एक का बुलेटिन है, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी आज तक किसी नाल कोई निजी किरण नहीं। कितनी बार एक ही खबर को चलाओगे? ना ही मैं निजी एबीपी लड़ाइयां लड़ी हैं। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिद ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूर्ण दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां का कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों कितें भी द्वंद हो गए सच की राह ते तुर ते मोरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ता ही आवाज़ दे विच फल आ। ते अज जो मैं देखदा कि उन्हां मुद्दियां नाल समझौता हो रहा, अज जो मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरणा दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने, जदों मैं देखदा कि जिन्होंने 6-6 साल पहला बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दुद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ दा, जदों मैं देखदा तो मेरी रूह घबराउंदी है कि जिन्होंने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट चैनल ते की एजेंडा है। पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीआं गल्लां करदे सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मुकाम तक पहुँचांगे। मैं ना तो हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सर मत्थे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न दे लई सर मत्थे किसे भी चीज़ दी कुर्बानी मैं दूंगा। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ट्रक बैक कर रहा था तभी एक रोडवेज बस ट्रक से आ टकराई। हादसे में बस सवार 16 यात्रियों में से 5 सवारियां घायल हो गई हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण सड़क हादसा। हादसे में 5 सवारियां घायल हुई हैं और कईयों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ट्रक को बैक कर रहा था, इसी वक्त एक रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई और ये भीषण दुर्घटना हुई।
लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अपनी पत्नी के साथ किरायेदार को आपत्तिजनक स्थिति में देख मकान मालिक ने किरायेदार की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार इलाके के ग्राम पंचायत बलीपुर गांव में एक झोला छाप डॉक्टर किराए पर रहता था, जहां इस दौरान झोला छाप और मकान मालिक के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। वहीं सुबह के समय मकान मालिक चारा लेने खेत पर गया था और उसके बच्चे तीनों स्कूल गए थे। मौके का फायदा उठाकर किरायेदार उसकी पत्नी के कमरे में पहुंच गया। इसी बीच महिला का पति आ गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर आग बबूला हो गया, जिसके बाद नाराज पति सहित पड़ोसियों ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को रस्सी से बांध कर उसकी जमकर पिटाई की। मामले में झोलाछाप डॉक्टर को घायल अवस्था में CHC में भर्ती कराया गया है, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लखीमपुर खीरी की घटना, जहां पत्नी और किरायेदार को रंगे हाथों पति ने पकड़ लिया और जिसके बाद बवाल मच गया, किरायेदार की जमकर पिटाई की गई। महाराजगंज में पुलिस और क्राइम ब्रांच के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में स्वाट टीम के एक सिपाही को भी गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गोली से घायल हुए दोनों बदमाश गौवद में 25,000 रुपए के नामी बदमाश थे। दोनों बदमाशों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने दो देसी तमंचे, कारतूस बरामद किए हैं। इन दोनों बदमाशों की पहचान कुशीनगर निवासी फिरोज खान और हैदर अली के रूप में हुई है। फरेंदा थाना क्षेत्र के फरेंदा ब्रह्मगंज मार्ग के पास ये मुठभेड़ हुई। महाराजगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाशों सहित एक सिपाही घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कुख्यात बदमाश है, 25,000 के दोनों बदमाश हैं और साथ ही साथ कई थानों में इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई दिनों से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। आगरा के थाना एतमादौला में सुशील चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना एतमादौला क्षेत्र में स्थित राधिका प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर की दुकान में लूट का प्रयास करते समय सुशील चौहान की हत्या कर दी गई थी। मामले में सिकंदरा निवासी वांछित आरोपी राजेश बघेल को SOG और थाना एतमादौला पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। तो आगरा का एक पूरा मामला, जहां पर सुशील चौहान हत्या मामले में आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। थाना एतमादौला में 624/21 मुकदमा पंजीकृत किया गया था 17 तारीख को। उसमें एक दुकान में लूट करने के प्रयास में एक व्यक्ति को गोली लग गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी के क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर पता चला कि वो लोग इधर से गुजरने वाले हैं, यहाँ से भागने की फिराक में हैं। तो थाना एतमादौला की टीम और SOG की टीम ने कॉम्बिंग किया और उनको पकड़ा है। पकड़ने के दरमियान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, तीसरा व्यक्ति भाग रहा था और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की और वो घायल हो गया। घायल को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। जो घायल हुआ है उसका नाम राजेश बघेल है और जो दो व्यक्ति और अन्य पकड़े गए हैं उनका नाम सनी बघेल और आकाश है। इन लोगों के पास से 3 तमंचा, 1 खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और साथ में उनकी बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। गोरखपुर के खुठन ग्राम सभा को मंगलवार को मुख्यमंत्री न्याय दो के पोस्टर लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत से निजी जमीन की हेराफेरी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पूरा मामला गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक के खुठन गाँव का है, जहाँ किसानों में CM योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि योगी जी हमें भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से बचाएं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों के इशारों पर संबंधित विभाग के अधिकारी ने हमारी जमीन किसी और के हवाले कर दी है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से हम अपने गाँव से पलायन करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वहीं जब मामले में हमारे संवाददाता ने संबंधित अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और सवालों से बचते हुए नजर आए। खास खुटहन मेरा चकबंदी प्रक्रिया में चल रहा है, उसके बाद मैं DM साहब के यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर सारे जगह मैं अपना लेटर डाल चुका हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, न कोई जांच हो रहा है मेरे ज़मीन को।
यही सब मैटर है। मैं चकाउट कराना अपनी जमीन को चाहता हूँ, लेकिन चकाउट नहीं हो पा रही है। कौन अधिकारी नहीं कर रहा है? जगदेव पटेल और एसईओ ईश्वर चंद शर्मा, ये दोनों लोग नहीं कर रहे हैं। मैं दरखास्त भी दिया, क्या वजह है? क्या वो दरखास्त मेरा खारिज कर दिए? क्या वजह है? अब वही लोग बताएंगे ना हम वजह क्या है, क्यों किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं सब चकाऊ। कौन से लोग हैं? विधायक। अब पूर्व विधायक हैं, इन्हीं के दबाव में नहीं कर रहे हैं चकाऊ। बेईमानी करते हैं। जगह हमारे पुरखा पुरानी राज के हमारे खेती है, मेरे बाल बच्चन पुजारत हैं, एकदम हमारे किराले भी पर डल लिए हैं। यह न खेती तो नहीं, हमारे सड़क के किनारे बा, तो सोचा था हम ले ले, यह बात ही है। कौन सोच रहा है? यह दिनेश या वो दोनों भाई ये पराना हुआ है, अरविंदर अरविंदर दिनेश। सरकार के 5 साल हो गए हैं, 5 साल में जो है ये भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि इनकी अभी तक कब्जा नहीं दिला पाए हैं, इनकी चकबंदी हुई है, चकबंदी में जो भी इनकी खेती है उस पे जो है इनसे क्या ऐसा वजह है कि उन पे चकबंदी जो भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनकी जो है कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं, इससे हम जानने के लिए तमाम ये गांव के लोग हैं जो पीड़ित है। ये लिखा गया है, हमें न्याय दो योगी जी, हमें न्याय दो, भ्रष्ट अधिकारियों से बचाए, क्या मामला है, हम जानते हैं सीधे इनसे। हमारे मकान को नहीं किया जा रहा है किसी के दबाव में, ऐसा ए सी ओ ईश्वर चंद शर्मा, ए सी ओ और जगदेव पटेल हमें 5 साल से दौड़ा रहे, चक्कर काटते काटते गोरधरिया करते करते उन लोगों का मैं थक गया हूँ। कमाए खाए के भी आधा, हमन कमाईले खाए के, मैं एक फुल्की बेचने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे खाने पीने जीने के लिए एकदम पुरानियां राज के हमारी गृहस्थी है, खेती है, मेरे बच्चन के रहने के भी पतदार भेले एकदम रहे गुजारत एकदम। कौन 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 आपका ये कौन आपका ये उजार रहा है, कैसा क्या नाम बता? दिनेश ने। अच्छा, क्या पूरा मामला था, कैसे क्या हुआ था? देखिएगा मामला है, इसमें मामला कोई नहीं था, लेकिन इस जमीन को हमने पहले हमको झूठ बोल करके दिखाया जाए रोड पर तुम लोगों की जमीन है, ओकरे बाद कुछ दिन के बाद जब पक्की होने लगा तो एक बैग हमारा जमीन को बीच में फेंक दिया गया, क्रिस्टीना सेठ को दूसरे का इस पे नाम डाल दिया गया, हमारा खेत पाछे कर दिया गया। कौन नहीं कर रहा है इस मामला? इस मामले को ईश्वर चंद एसीओ और जगदेव पटेल, वो सब दोनों लोगों का मैं गोरधैया करते करते थक गया। क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह? अब बेईमानी करते हैं, किसी को दबाव में नहीं कर रहे हैं, बेईमानी करते हैं। सीधे से ग्रामवासियों को यहाँ तक की आरोप है कि जो सीडीओ हैं, जो चकबंदी ऑफिसर हैं, इनका सीधे तौर पे जो है इनका कहना ये है कि ये लोग किसी भी की दबाव में आके, या सत्ता सरकार हो या किसी की दबाव में आके काम नहीं कर रहे हैं। मृत्युंजय पांडे, न्यूज़ इंडिया ग्रुप। बाराबंकी में खेतों में गए एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी के गले और चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। घटना बाराबंकी जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र के गुड़ियापुरवा गांव की है, जहां एक 17 वर्षीय किशोरी कुछ काम से खेत गई थी, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर किशोरी की मौत का कारण सांप का डसना बताया है। वही किशोरी के गले और चेहरे पर चोट के निशान को देखते हुए परिजन किशोरी की हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खेरा बेचने लड़के हमारी खेत में थी, हम घर पे आ गए 7:15 बजे, हम यहाँ पूछे तो पता लगे अभी नहीं आई बेटी घर का, खेतन में है। अच्छा। और हमारी वाइफ की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, कार सीरियस, इसीलिए लड़की वहाँ थी दिन में। और जो है हम कहा कि चलो हमारे रिश्तेदार जी ने, हम कहा चलो भैया उधर से ले आओ, हम वहाँ रह गए, खाना पानी बाद में हमका भेजो। हाँ, साथे गए तो वहाँ देखा कि हमारी लड़की पड़ी हुई, खत्म हुई, तो मार दी गई गला। कुछ पता है आपको? बोलो। वहाँ से लेके आए थे पापा। कहाँ से? वहाँ खेत से। खेत से? हमने घर पे रही। अच्छा, तो क्या क्या देखा? मिट्टी भी लगी रही। हाँ। और यहाँ पे काला काला रहा गले पे। गले पे काला निशान। गले पे काला निशान। अच्छा, पूरे शरीर पे मिट्टी थी? पूरी शरीर पे मिट्टी। अच्छा। कपड़े पे मिट्टी। क्या नाम था बहन का आपका? जमुना। कितने उम्र की थी? 17 17 साल की थी।
आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास के पास 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। युवक के सर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मलपुरा थाना क्षेत्र के ललाऊ गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी में रास्ता न बनने से नाराज दलित बस्ती के ग्रामीणों ने गांव के बाहर रास्ता नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि हम लोगों को सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही। ग्रामीणों ने बताया है कि सांसद विधायक जिलाध्यक्ष से शिकायत के बावजूद अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री सुरेश पासे के क्षेत्र में आने वाले रंकापुर गाँव के ईश्वरी लाला का पूर्वा के ग्रामीणों ने गांव से बाहर निकलने का रास्ता ना होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नेता आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, पर इस बार हम लोगों ने फैसला किया है कि जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जब से हमारे गाँव में रेलवे लाइन बन गई है तब से गाँव में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है, जिस वजह से हमें रेलवे ट्रैक पार करके आना जाना पड़ता है। आए दिन जानवर भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिसकी वजह से तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। साहब हमारे यहाँ राही नहीं ना, हम इसीलिए माला लेके रखी हैं, जे के वोट मांगा है उसी के छोड़ेंगे। हाँ। कैसा माला है? चप्पल की माला? चप्पल के माला। तो आप उसको पहनाएंगे? हाँ, 10 साल से आओ थी मांगा, कुछ सड़क के राही के वही नहीं करती, इसीलिए हम लेके खड़ी हैं। लोग फूलों माला पहनाते हैं, आप चप्पल की माला पहनाएंगे क्यों? अब कहा मेरे राही नहीं है तो पहनाऊंगी नहीं। क्या चाहती हो? राही चाहिए थे साहब, हम वहाँ राही मिले और कहाँ चाहिए थे। हमारे लड़के बच्चे सब नांग नांग आवत जाती, गाड़ी घोड़ा लेके जाती नंघाई के, चार जने लागत तो नांगा था गाड़ी। हमारे गांव में यही है साहब, रास्ता के लिए समस्या है। हमारे गांव के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता चाहे जहाँ से शादी हुए, ब्याह हुए, कोई भी हुए, यही से सभी आवत जाते, दुल्हन वही पार दुल्हा यही पार, कौनो चीज़ कहाँ सुविधा नहीं ना। कब से ये समस्या है? कम से कम होएगा जैसे पुरखन के जिंदगी बीत गए, हमारा सबके चली आवती है। तो इलेक्शन में लोग आते होंगे आपके पास, चुनाव में नेता आते होंगे, आप लोगों ने मांग की थी क्या? कुछ नहीं, बस जब तक वोट नहीं पहुँचते कहा थे सब समस्या दूर हुए, वोट पाए के बाद क्यों यहाँ घूम के लखत नहीं साहेब। मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास के पास एडीएम द्वारा विवादित जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान जमीन पर काबिज लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि जमीन उनकी है। लोगों का यह कहना है कि विवादित जमीन है जिसका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके पास जमीन खाली कराने का कोई आदेश नहीं आया और ये जमीन उनकी है। वहीं इस दौरान विरोध कर रही महिलाओं ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि इस दौरान वहां मौजूदा स्थायी दुकानों को भी बुलडोजर की सहायता से तोड़ दिया गया और विरोध कर रहे पक्ष को भी हिरासत में ले लिया गया है। विकास प्राधिकरण के जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था लोगों को, जिसको शासन प्रशासन द्वारा शांतिपूर्वक हटाया गया। कुछ लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया, उनको शांतिपूर्वक हम लोग थाने में खरखौदा थाने में भेज दिए। अब यहाँ पे कोई, अब तो कोई नहीं रहा, नहीं नहीं, अब यहाँ पे शांति व्यवस्था है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और यहाँ से अवैध प्राधिकरण जो बहुत पुराना था उसको हटा दिया गया। सर, विरोध करने में कुछ लोग भी अरेस्ट हुए क्या? अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनको हम लोग आराम से शांतिपूर्वक बैठा दिए हैं कि उनके द्वारा कोई बाधा शासन प्रशासन के कार्यों में न डाला जाए। मिर्जा साहब, जो जमीन मालिक बता रहे हैं कि हमें जो है जमीन पर हमें जबरन कब्जा हटाया जा रहा है, नहीं, अब मालिक है हमारे पास कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी आप उनके साथ जबरदस्ती करते हैं? नहीं नहीं, जबरन कब्जा कोई नहीं हटाया गया है, जो नियम कानून है, जो विधि व्यवस्था है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की गई है। आगरा में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब, 1000 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण भी मौके से बरामद किए हैं। बता दें कि मामले में पुलिस ने एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार करते हुए लहन को नष्ट कर दिया, जबकि दो तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बता दें कि छापेमारी अश्नेरा थाना क्षेत्र के साता गाँव में की गई है, जहाँ खारी नदी किनारे जंगलों में कच्ची शराब बनाई जा रही थी और यहीं से सप्लाई हो रही थी। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 60 लीटर कच्ची शराब
नष्ट की गई है। कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की छापेमारी लगातार देखने के लिए मिल रही है। आगरा के जंगलों में अब भी इस तरह की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।